23 फरवरी 1954 को राजधानी दिल्ली में जन्मे बाबा हरदेव सिंह, 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सड़क हादसे में उनका निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हादसे के वक्त कार में उनके दो दामाद मौजूद थे, उन्हें भी चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये खबर इस वक्त मिल रही है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये सड़क हादसा हुआ है। हादसे के वक्त दोनों दामाद भी साथ थे, आपको बता दें, खबर मिल रही है। हादसे में एक दामाद जो है वो घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार पलटने से ये हादसा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। 23 फरवरी 1954 को राजधानी दिल्ली में जन्मे बाबा हरदेव सिंह, जिन्होंने 1971 में निरंकारी सेवा दल की दल को ज्वाइन किया, और आपको बता दें कि 1975 में उन्होंने निरंकारी संत समागम की एक सदस्या माता सविंद्र कौर से शादी की, और 1980 में वो इस निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख बने। और निरंकारी संप्रदाय के प्रवक्ता गुलशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या कुछ जानकारी आपको कनाडा से मिल पाई? ऐसा है कि आज सुबह बाबा जी का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है और वो न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट हुआ है। जी, उस वक्त उनके साथ कौन कौन मौजूद था? उनके साथ उनके दो दामाद थे गाड़ी में, सनी जी और अवनीत जी। जी, उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है गुलशन जी? बाबा जी की स्थिति तो मैंने आपको बता दिया है, वो शारीरिक रूप से उनका निधन हो गया है। जो उनके साथ जो उनके दामाद थे, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन उनके बारे में पूरी आधिकारिक खबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि कनाडा और इंडिया में बहुत फर्क है और हमारे पास जो पूरा इतना नेटवर्क है उस हिसाब से हमें उनके बारे में इतनी ही खबर मिली है जो मैंने आपको बताई है। जी गुलशन जी, क्या ये भी जानकारी है कि कार पलटने से हादसा हुआ है? और नेचुरली वहां पर गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं तो एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी पलट ही जाती है। और इतने बड़ी मतलब इस एक शरीर का अंत तो तभी होता है जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो। जी गुलशन जी, क्या दोनों दामाद उनके घायल हैं? जी जी, इसके अलावा क्या किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश की गई है? हाँ, संपर्क तो वहां से हो रहा है, लेकिन जो अभी ये डॉक्टर से पूरी बात करने के बाद ही जो है हमें बताया जाता है, वहां की जो हमारी टीम है, जो हमारे वहां की ब्रांच है, वो भी अभी पूरे कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है क्योंकि काफी दूरी है। लेकिन हमें खबर जितनी मिली है हमने आपको बता दी है, और इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से सभी जो बाबा जी के शुभचिंतक हैं, जो बाबा जी के प्रति प्यार रखते हैं, और उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बाबा जी के बारे में, क्योंकि कनाडा से यहाँ पर उनके शरीर को लाना और यहाँ पर लाकर अंतिम यात्रा में करवाना वो कोई इतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए लोग जितने हमारे मिशन के मेंबर हैं और जो वो दूसरे लोग भी हैं वो अपने घर में बैठ के शांत रहें, और जैसे जैसे हमें खबर मिलती जाएगी हम आपके माध्यम से उनको पहुंचाते जाएंगे, और वो तब उसके बाद दिल्ली की तरफ मूव करें। तब तक लोग अपने घर में बैठे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है। जी, यानी कि इसमें समय लग सकता है आप कह रहे हैं, और ये भी बात जाहिर सी है गुलशन जी कि बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और सभी जितनी जानकारियां आ रही हैं सब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलशन ठुकराल, प्रवक्ता निरंकारी मिशन के, वो हमारे साथ थे, जो जानकारी दे रहे थे यहाँ पर। उनका उनका ये कहना है कि जो उनके दोनों दामाद थे वो भी इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, स्थिति उनकी चिंताजनक बनी हुई है, ये खबर मिल रही है। साथ ही वो अपील कर रहे हैं निरंकारी संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं उनसे कि अभी इस पूरे मामले को लेकर कुछ शांति बनाए रखें, क्योंकि जो अंतिम यात्रा है वो राजधानी दिल्ली में होनी है, ऐसी खबरें उन्होंने दी है, उसके लिए इंतजार करें। और क्योंकि कनाडा से यहाँ आने में वक्त लगेगा, न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे बाबा हरदेव सिंह, ये जानकारी मिली है। जो निरंकारी संप्रदाय के, निरंकारी मिशन के जो प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने जानकारी दी कि न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे और कार पलटने से ये हादसा हुआ है। उनके जो दोनों दामाद हैं उनको वो भी घायल हैं, स्थिति उनकी भी चिंताजनक बनी हुई है, ये खबर इस वक्त मिल रही है मॉन्ट्रियल से। जैसा कि निरंकारी मिशन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जानकारी दी है, आपको बता दें कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का कार हादसे में निधन हो गया है और उनके जो दामाद हैं
उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ये भी जानकारी उन्होंने दी कि जो पार्थिव शरीर है उसे भारत लाया जाएगा, दिल्ली में अंतिम यात्रा होगी। हालांकि इस प्रोसेस में अभी वक्त लगना है। उन्होंने अपील भी की है सभी मानने वालों से कि वो अभी धैर्य बनाए रखें।